योगा इज इट्स मी ये सर और आप सभी का दई मोटा सिर्फ मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और हो सके ना तो इस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नया नया वीडियो का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ही घना और डरावना जंगल दिखाया जाता है और इसी डरावने जंगल के बीचों बीच एक कैरेज गुजर रहा था और ये कैरेज और किसी का नहीं हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेट का लेजेंडरी कैरेज था जिसे की और कोई नहीं हम लोग का छोटा भाई फैंग चला रहा था। तो यहाँ पे फैंग सोचता है कि ये जो जंगल है ना बहुत डरावना है और इसका जो क्यूआ है बहुत ही डेंस है जिसके वजह से क्या हुआ मेरे आसपास का जो एरिया है ना मैं 5 मीटर के ज्यादा उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे तो लगता है शायद इसी के चलते ना कोई भी हम लोग जो इलेक्ट्रिस्ट है उसे यहाँ पे धर दबज नहीं पाए। तो शुक्रिया वो भगवान का ये जंगल इतना घना है। तभी यहाँ पे पीछे से लूबी भी आ जाती है आने के बाद कहते हैं हाँ ये जो जंगल है ना बहुत ही डरावना दिख रहा है पता नहीं हम लोग सिस्टर अभी कहाँ पे है और कैसे है। तभी वो लोग दोनों ही हम लोग एंसेस्टर से पूछते हैं कि एंसेस्टर आपके पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से क्या होगा आप हम लोग सिस्टर का बहुत ही आसानी के साथ पता कर लोगे। जहाँ पे हम लोग बैठे कहते हैं कि सामने जो तालाब देख लो ना मेरे बेटे उसके पास चलो उसके पास जाने के बाद ही मैं तुम लोगों को बाकी सर जितने भी इन्फॉर्मेशन है ना वो बताने वाला हूँ। और तभी वो लोग भी उस तालाब के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी दिखाया जाता है इन लोगों के ऊपर कोई तो नजर रख रहा था और ये कोई और कोई नहीं एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट था। तभी दिखाया जाता है फैंग और लूबी उसी बड़े तालाब के पास आ गया था जिसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल 9 लीव लोटस फ्लावर था और जिसे देखने के बाद हम लोग लूबी बहुत ही चौंक जाती है। चौंकने के बाद उसके ब्रदर से कहते हैं कि ब्रदर देखो उसके अंदर क्या चीज है। तभी लूबी को यहाँ पे और कुछ नजर आता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट था। तभी वो डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे बातें करना स्टार्ट करता है और जहाँ पे वो डिमोनिक बीस्ट कह रहा था कि ये जो डीएडी है ना आज उसका मूड बहुत ही अच्छा है तो जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ ये मेरा टेरिटरी है और इसके अंदर मत आना। जहाँ पे वो डिमोनिक बीस्ट साथ साथ चौंक जाता है क्योंकि ना अभी हम लोग जो लूबी थी उसे धड़ल्ले से लिए थे और कहते देखो देखो घोड़े मामू तुम्हारे जैसा ही ये बंदा भी बात कर रहा है। तभी ये देखने के बाद वो जो डेमोनिक बीस्ट था गुस्सा हो जाता है कहता है क्या तुम इस नॉर्मल घोड़े के साथ मुझे यहाँ पे कंपेयर करो ये लो ये खाओ। तभी दिखाया जाता है वो जो यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट था ना अपने पंजा हम लोग लूबी के वहाँ पे मार देता है। जहाँ पे लूबी के बुबू से ना थोड़ा थोड़ा खून निकल आता है और जिस खून को देखने के बाद अभी वो डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे डर जाता है और कहता है क्या तुम्हारा ब्लड भी एक ड्रैगन का है। तभी यहाँ पे घोड़े मामा को दिखाया जाता है जो कहता है कि छोटे बच्चे तुम्हारे हिम्मत का दाद देना पड़ेगा तुम मेरे रहते हुए मेरे पैट्रिया को यहाँ पे हानि पहुंचाते हो। और इसी के साथ उसे एक लात मार देता है जिसे लगने के बाद वो छोटा बच्चा यानी कि डेमोनिक बीस्ट दूर जगह गिरता है। और तभी वो पीछे मुड़ के देखने के बाद पता चलता है ये जो घोड़ा है ना बहुत पावरफुल है और इस घोड़े का सांस ना उसके मास्टर से भी पावरफुल है यानी कि ये घोड़ा उसके मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल था। जो देखने के बाद वो रोने लगता है और कहता है इस छोटे तुम माफ कर दो घोड़े मामू मुझसे गलती हो गया। तभी यहाँ पे और कोई बंदा आता है और वो बंदा कहता है कि वही छोटे बिल्ली तुम क्या इस जो 9 लीव फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करो और ये और कोई नहीं हम लोग का सेक्रेट मास्टर था। और जिसका वो रिप्लाई देते हुए वो बिल्ली कहते हैं हाँ मास्टर लेकिन वो मैं नहीं मन सोच रहा था आज मैं किसके चुंगल में पड़ गया आज मैं सुबह किसके मुंह देखने के बाद उठा था ये जो मेरे सामने बंदा है ना ये उस घोड़े से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी पीछे से वो घोड़ा मामा उसे सर में और एक पैर लगाते हुए कह रहा है क्या हुआ ये मेरा मास्टर है और मेरे मास्टर के सामने जल्दी अपना जो सर है झुका लो। इसी के साथ हम लोग पहले लूबी इस किटन के पास आ जाती है आने के बाद कहते तो किटन मामू तुमने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि मेरे पास भी ड्रैगन का ब्लड है यानी तुम इससे पहले भी किसी से मिल चुके हो जिसके पास ये ब्लड है। और यही पर ना जो बिल्ली था हम लोग लूबी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और हम लोग मास्टर से कहता है कि आपने सही कहा मैं इस जो सोनू लोटस है ना इसका यहाँ पे पहरा दे रहा हूँ और जो मेरा मास्टर है ना बहुत ही पावरफुल है वो अभी हेवनली लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ पर तो ये सब सुनने के बाद ना वो घोड़ा मोह बहुत ही गुस्सा होता है और गुस्से के साथ उसे किक मारता है कहता है तुम पहले तो हम लोग पैट्रे को यहाँ पे इग्नोर करते हो और दूसरी बात मेरे मास्टर के सामने अपने मास्टर के यहाँ पे जयगान गा रहे हो तुम्हारा मास्टर हेवनली लेवल पे है ना तुम्हारे मास्टर ना मेरे मास्टर के सामने कीड़े के बराबर है और ये तुम अच्छे से याद रखना। पे बेचारा कैट एक किक लगने के बाद ना उस पॉइंट में यानी कि उस तालाब के अंदर जाके गिरते हैं और बाहर निकलने के बाद कह रहे हैं ये जो छोटा बच्चा है ना इससे गलती हो गया तो बड़े भाई मुझे माफ कर देना मैं ऐसा वैसा गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और तभी लूबी उसके पास आने के बाद फिर से ये क्वेश्चन कर रहे हैं तभी वो कह रहा है मेरा जो मास्टर है ना 10,000 बीस्ट सेक का पैट्रिक है और जो ड्रैगन एसेंस वाली जो बंदी थी उसे वो ले गया अपने डिसाइमल के रूप में और उसे ना और कहीं पर नहीं हम लोग जो डायनेस्टी है यानी कि प्लाट डायनेस्टी में ले जा चुके हैं। जो सुनने के बाद अभी सेक मास्टर हम लोग लूबी और उसके ब्रदर के पास आते हैं आने के बाद कह रहे हैं कि तुम लोग अपने सीनियर सिस्टर्स के साथ मिलने के लिए रेडी हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग लूबी और उसका भाई जल्दी से हाँ कर देते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर ब्लड डायनेस्टी का 10,000 बीस्ट चेक को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था। तभी वो यहाँ पे एक बंदी को मॉक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा लेवल तो अभी तुम प्रोफाउंड कोड रिलेम के 31 पे हो तो हम लोग मास्टर ने तुम्हें कैसे यहाँ पे लेकर आया तुम तो बहुत ही कमजोर हो जल्दी करो अगर तुम यहाँ पे मेरे जो टाइगर है इसके साथ फाइटिंग में जीतते हो ना तभी ना मैं तुम्हें यहाँ पे जाने के लिए दूंगा वरना तुम आज जाने के बाद छोड़ दो। और इसी के साथ उसके पास जाता है उसके पास जाने के बाद कहता है वैसे भी तुम दिखने में ना बहुत ही खूबसूरत हो अगर कहते हो तो मैं मास्टर को कहने के बाद ना मैं तुम्हारे साथ अपना मैरिज की बात कर लूँ। तभी यहाँ पे आसमान में एक बहुत ही बड़ा दारा आता है जहाँ पे दारा से एक आवाज़ निकलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे डिवाइन ड्रैगन
सेक्ट के डिसाइपल के साथ ऐसा छेड़खानी करने का, और इसी के साथ उन लोगों के सामने एक बहुत ही पावरफुल रोशनी निकलते हैं, और इस रोशनी के वजह से जो उन लोगों के सामने का स्पेस था वो टूट जाता है, यानी कि एक क्रैक आ जाता है जहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। और तभी दूसरे ओर से आवाज़ आता है कि मेरे बच्चे जल्दी करो, अभी तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम पावरफुल बनने के बाद इन लोगों से अपना जो रिवेंज है वो ले सकते हो। तभी एक बंदा कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ये कहने का, लेकिन तभी वो वॉइड को देखने के बाद वो बंदा भी चौंक जाता है। और इसी के साथ हम लोग सीनियर सिस्टर भी सोचते हैं कि कोई बंदा यहाँ पर वॉइड क्रिएट कर रहा है तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, और यहाँ पर वॉइड बंद हो जाने के बाद ना बाकी सारे बंदे का सेंसिटिविटी गोल हो जाता है और सोचने लगते कौन इतना पावरफुल बंदा है कि अपने पावर के मदद से यहाँ पे स्पेस में भी दरार ला चुका है, क्या कोई ये कर भी सकता है। और इसी के साथ हम लोगों को दिखाया जाता है कि सीनियर सिस्टर को देखने के बाद ना लोग भी बहुत ही आनंदित होते हैं, और आनंद में आने के बाद सीनियर सिस्टर को यहाँ पर जाकर जकड़ लेती है और कहते हैं सीनियर सिस्टर आपको ना मैं ना बहुत मिस कर रही हूँ, और हम लोग को ना ये सीन देखने में बहुत मजा आ रहा है। पता है हम लोग को छोटा भाई आपके बारे में कितना चिंतित हो रहा था, और इसी के साथ हम लोग को छोटे भाई फैंक को दिखाया था जो कि हमें रो रहा था और कह रहा था कि सीनियर सिस्टर आपका ये जूनियर ब्रदर ना आपको बहुत ही मिस किया। तभी सीनियर सिस्टर भी कहता है कि हाँ मेरे भाई तुम दोनों को ना मैं भी बहुत ही मिस किया, जहाँ पर हम लोग छोटे उसे फॉक्स को दिखाया था। ये सीन अपने आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद शॉक हो गया था, और भाई हिलडुल नहीं सक रहा था जो सोच रहा था क्या मैंने अपने आंखों के सामने ये क्या देखा, ये क्या व्हाइट था, ये बंदा है कौन। और इसी के साथ ना ये वाला एपिसोड रहता है खत्म। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।